गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे पोएम माय मदर एट 66। ये कमला दास के द्वारा लिखी गई थी, उनकी रियल ऑटोबायोग्राफी है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माय मदर एट 66। इसका मुख्य टाइटल क्या है, टाइटल का महत्वपूर्ण क्या है? तो पोइट फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर पहला ऑप्शन है, तो ये सही है क्या? पोइट फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर सही है। कवि का डर, कवित्री का डर अपनी माँ को खोने का। पोइट फियर ऑफ मूविंग पास्ट, ये भी गलत है। कवि का कोई डर नहीं था मूविंग पास्ट तेज चलने की। पोइट इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, पोइट की अयोग्यता अपनी फीलिंग्स को प्रकट करने की अयोग्यता, ये भी गलत है। ऑल ऑफ दीज इसमें कोई नहीं आएगा, तो पहला का अक्सर स्पष्ट। दूसरा, व्हाट डज एसन फेस सिग्निफाई, एसन फेस सिग्निफाई का क्या अर्थ है? तो कलर ऑफ पेस, चेहरे का रंग। दूसरा, पेस इज कवर्ड विथ वैस, जो पेस से कवर है राख से, तो ये सही है। पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोइट मदर टू सो अगली पेस, क्या होगा इसमें? देखो ये भी कलर रहते हैं, पेस ऑफ कलर, पेस इज कवर्ड विथ हैस, ये भी गलत है। सो अगली पेस, ये भी गलत है। पेल यानी पीला और लाइफलेस यानी निर्जीव चेहरा पोइट मदर, पोइट की जो माँ का एकदम पीला निर्जीव की भांति चेहरा है, तो एस एन पेच यानी राग की भांति चेहरा, तो ये इसका रियल मीनिंग ये होगा। आगे देखते हैं, विच पोइटिक डिवाइस इज यूज इन द ट्री स्प्रिटिंग, ट्री स्प्रिटिंग में कौन सी पोइटिक? पहला एलिट्रेशन है, अनुप्रंस अलंकार यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो यहाँ पर नहीं हुआ, टी एस हुआ है। सिमिली यानी उपमा, एज लाइक का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ। मेटाफर, मेटाफर सिमिली में थोड़ा सा अंतर है, एज लाइक मेटाफर में नहीं होता, हालांकि दोनों में तुलना की जाती है, पर सिमिली में एज लाइक आता है, मेटाफर में एज लाइक नहीं आता। तो इसमें दो तुलना ट्री की स्प्रिंटिंग से नहीं की गई, ट्री और स्प्रिंटिंग अलग अलग है, तो ये इसमें इस ट्रीज स्प्रिंटिंग के लिए है, पर दो अलग अलग चीज़ नहीं है, तो मेटाफर का भी यूज़ नहीं होगा इसमें तीनों। फिर पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, ट्री का स्प्रिंटिंग, ट्री का मानवीकरण किया गया है। ट्री किस प्रकार तेज दौड़ते हैं? तेज दौड़ते हैं पेड़, तो मानव की तुलना मानव के रूप में किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन। फिर चलते हैं, व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड, रिवॉल्व अराउंड पोएम इज, पोएम जो चारों ओर घूमती है, किस स्टोरी के पीछे घूमती है, इसकी जो मुख्य थीम क्या है, इसके बारे में देखते हैं कौन सा सही होगा इसमें। पोइट्री, पोइट फियर, पोइट का डर, ये भी सही है, पोइट का डर हमेशा बना रहता है अपनी माँ को खोने का। पोइट लर फॉर अर मदर, पोइट की जो प्रेम है कवित्री का, जो प्रेम है अपनी माँ के प्रति, ये भी है। थीम ऑफ ओल्ड एज, ठीक है ये भी ओल्ड एज है, इसका भी है, क्योंकि डेथ इज़ इनविटेबल, डेथ इज़ ट्रुथ, मृत्यु सच्चाई है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर हो गया, ऑल ऑफ दीज, तो ये आपका आंसर हो गया।